Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा, आपको अपने नशाई किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रहा है दही वाला चिकन टिक्का मसाला। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे चीज़ चाहिए, वो है चिकन। चिकन को हम इस तरह से डीप गैशेस लगा लेंगे, कुछ को मैंने लगा लिया, कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ चिकन को इस तरह से गहरे कट लगाएंगे। गहरे गहरे कट इसी तरह हम दूसरे चिकन पे लगाएंगे। इसी तरह ये हो गए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसके ऊपर फूड कलर लगाएंगे। ये येलो फूड कलर है, थोड़ा थोड़ा फूड कलर इसके ऊपर डालूंगी। ये लेमन जूस, एक लेमन है पूरा मेरे पास। वन टेबलस्पून सॉल्ट लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये काम तो हाथों से ही होगा। इसको ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे। उतनी देर में अपने दूसरे मसाले तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इस पे सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, वो जाएगा। इसी के साथ ये एक प्याली भर के दही की है, वो जाएगी। ये गाढ़ी वाली दही है। एक टीस्पून इसमें जीरा जाएगा। एक, दो, तीन, चार, 4.5 चम्मच इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1.5 टेबलस्पून इसमें रेड चिली जाएगी। एक चम्मच भर के इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जाएगा। 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच इसमें बेसिक गरम मसाला जाएगा। थोड़ा सा मैं और सॉल्ट ऐड करूंगी और अभी हम इसको हिलाएंगे। हल्दी अभी मैंने इसमें नहीं डाली। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हमारा टिक्का जो है बन जाएगा। अच्छी तरह से अभी मैंने इसमें एक फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर। अभी हम इसमें एक और फूड कलर लगाएंगे, वो थोड़ा सा रेडिश टोन में है। इस टिक्के में हम हल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो सैफ्रन येलो रेड कलर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। इसको डालने के साथ ही इसकी लुक चेंज हो जाती है। अच्छी तरह से हम अपना मसाला जो है वो चिकन में लगाएंगे। नमक मिर्ची सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए, मैंने जो है चिकन के ऊपर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैं इसको टेस्ट को चेक करूँगी। अगर मुझे इसमें नमक मिर्ची कुछ खट्टा कम लगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। मुझे ये थोड़ा सा खट्टा जो है वो कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है विनेगर यूज़ करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं,
क्योंकि वो हम बाद में इसको उसमें ऑयल में बनाएंगे। इसी तरह बस अब फाइनली हम इसको करके एक एक पीस को इसी तरह मिक्स करके प्रेशर कुकर में रखते जाएंगे। बड़ा ही मसालेदार हमारा टिक्का बनेगा, नान के साथ, चावल के साथ या पतली रोटी के साथ आप इसको खाइए। और बस अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, फिर हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का लगाएंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसे प्रेशर में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ इसी तरह 1 by 1 करके हम अपने टिक्के को प्रेशर कुकर में रखेंगे। अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर जहाँ कहीं कमी लगे उसको हाथ से फिल कर दीजिए। जो बाकी का मसाला बच गया वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और बस अब इसमें थोड़ा सा आधा कप में इसमें पानी डालूंगी और इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ जब तक हमारा टिक्का रेडी हो रहा है तब तक हम इसके साथ रायता बनाएंगे। तो रायते के लिए मेरे पास अनियन है, कुकम्बर है, टमाटो है और ये बंद गोभी। ये दही के लिए मैंने ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी इस्तेमाल की है। अब हम इसमें दही डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग जीरा डालेंगे बना हुआ, थोड़ा गरम मसाला पाउडर जाएगा और नमक डालेंगे। इसमें हम मिर्ची नहीं इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दूसरे बाउल में इसको डालेंगे और बस हमारा रायता रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अपना जो सैलेड काट के रखा है वो बाउल में डालेंगे। और इसमें अपना दही का जो रायता बना है वो भी ऐड कर देंगे। इसको ज़रा सा विस्कर से हिलाएंगे। इसमें लर रखमान अरिम की बरकत के साथ हमारा मज़ेदार ग्रीन रायता सैलेड रेडी हो चुका। इसको हम एक साइड रखेंगे। जब हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी हो जाएगा तो इसके साथ इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए हमारा चिकन टिक्का माशाल्लाह से इसके ऊपर मसाला भी अच्छे से लगा हुआ है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि एक तो हमने इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल करा और दूसरा जो हमने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल यूज़ किया था। तो मैंने इसको हार्डली 1 whistle ही लगाया है, 1 whistle लगाया है तो ये अच्छे से गल गया। अब हम इसको बड़े ही कम ऑयल में फ्राई करेंगे और साथ ही इसका मसाला भी रेडी करेंगे तो दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने ऑयल डाली, आप देख सकते हैं ये कितना ऑयल है, ये आधा कप ऑयल है। अब हम इसमें एक एक दो दो पीस करके अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देख सकते हैं कि मैंने आधा कप से ऑयल लिया है, उसको गर्म किया और उसके चिकन को जो है इसी तरह से हम दो दो पीस करके फ्राई करते जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो आप उसी हिसाब से ऑयल डाल के चिकन को फ्राई कर लीजिए। इसके लिए इसको फ्राई करने के लिए चिकन को ऑयल में किप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गल चुकी है।
हाथ हमें इसको कलर देना है। तो इसी तरह करके मैं इसकी सारी चिकन फ्राई करूँगी। तो थोड़ा सा मानी जन की बैठक के साथ देखिए मसाला से कितना प्यारा चला है एक तरफ से, और मैं इसको इसी तरह दूसरी तरफ से भी करूँगी फ्राई करूँगी, और इसी तरह आपके साथ आगे भी शेयर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ चिकन मेरी सारी फ्राई हो चुकी है। अब ये जो आपको दिख रही है सॉस, ये वो सॉस है जिसमें हमने अपनी चिकन को जो है प्रेशर कुकर किया था। तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसकी एक पेस्ट बनाएंगे और इसको अपनी चिकन के ऊपर जो है वो अच्छे से फैला देंगे। तो इसका मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ। ये देखिए चिकन की जो टिक्का हमारा है उसकी सॉस रेडी हो चुकी है। इसलिए मैंने स्पून में रखी है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ। ये देखिए इतनी थिक है। इसको हम अपनी चिकन के ऊपर डालेंगे जब हम इसको गार्निश करेंगे। ये इतनी ही थिक होनी चाहिए। तो दिखाते हैं आपको चिकन को गार्निश करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ ये सॉस हमने रेडी कर ली। अब हम इसके ऊपर डालेंगे। ज़रा सा इसको ऑयल का लुक देंगे। ये रखेंगे साथ में इसका रायता, और हमारा मज़ेदार दही चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। तो खाइए, इंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेसिपीज़ को ट्राई करके मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।